हेलो गाइस, मैं हूँ प्रवीण और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है गेट नेट ट्यूटोरियल में। गाइस, तो गाइस आज का जो मेरा लेसन है वो है मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में, जिसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप मुझे अन अकेडमी में भी पा सकते हैं, और जहाँ मैंने बहुत सारे लेसन्स दिए हुए हैं डायोड, क्लिपर, क्लैम्पर, मल्टीप्लेक्सर्स और सेमी कंडक्टर्स पे, यानी बेसिकली हॉल इफेक्ट और भी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स पे दिए हुए हैं। तो आप उन कोर्सेस को फ्री में जाके वहाँ देख सकते हैं। अभी मैं यूट्यूब में वीडियोज़ बना रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई होप कि मैं यहाँ ढेर सारे वीडियोज़ डालूंगा। तो फिलहाल है कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस पे आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बेसिकली मैं छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताऊंगा, एक तरह से कह सकते हैं कि चीट कोड्स की तरह आपके लिए वो काम करने वाले हैं एट एग्जाम टाइम। ओके गाइस, शॉर्टकट में आपके लिए काम करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिराक डेल्टा फंक्शंस का बेसिक कुछ मैं आपको बताने वाला नहीं ये क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि आप इसके बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। मेरा जो मेन पर्पज़ है वो है कि इसको समझना, कि इस पर बेसिक छोटा न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे समझते हैं। तो देखिए, बेसिक आपको जो जानना है वो है आपको कि अगर एफ ऑफ एक्स रहता है डेल्टा एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, और इंटीग्रेशन जो रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाता है तो वो एफ जीरो होता है। ये आपको पता है और आप इसको बहुत बार फेमिलियर होंगे इस चीज़ से यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट जो दूसरी होगी कि डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स रहेगा वो एफ ऑफ इस तरह रहता है तो वो एफ ऑफ ए हो जाता है। क्लियर है? ये दो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं जो आप अप्लाई करते हैं। लेकिन जो तीसरा है, जो मेरा बताने का मेन मोटो है आज के इस वीडियो का, वो है मेरा ये कि अगर एफ ऑफ एक्स रहता है और डेल्टा फंक्शन में कोई जी एक्स यानी कोई फैक्टराइजेबल फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप इसे बहुत जगह पे यूज़ करते होंगे और आप इसमें बहुत ज़्यादा अटकते भी होंगे कि आपने इसे कहाँ कहाँ सर्च किया होगा, बट मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो देखिए, मैं आपको स्टेप समझाता हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले स्टेप नंबर वन कि फैक्टराइज कीजिए जी एक्स को। ओके गाइस, क्या करना है? फैक्टराइज करना है और उसके बाद इसको डेल्टा फंक्शन एक्स को एक्सपेंड कर दीजिए। बस किस फॉर्म में? इस तरह के फॉर्म में कि समेशन ऑफ, देखिए यहाँ समेशन दिया हुआ है, डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई जी डैश एक्स और एट एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, जहाँ एक्स आई जो होगा वो जी एक्स का फैक्टराइजेशन करने पे जो रूट्स होते हैं वो है, जहाँ एक्स वन एक्स टू अगर वो जिस तरह के टर्म में भी हो वो फैक्टराइजेशन करने पे उसके रूट्स होते हैं। ओके गाइज, और जी डैश एक्स क्या है? जी का ही डिफ्रेंशिएशन है। ओके, आप उसको मॉड ऑफ में ले ले रहे हैं यानी आप इसको पॉजिटिव वैल्यू पे ही हमेशा कंसिडर करके चलेंगे। और जनरली जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपका जो आ जाता है डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई बाई जी डैस एक्स एक्स और एक्स माइनस एक्स वन डेल्टा एक्स माइनस एक्स टू बाई जी डैस एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, इस तरह करके ये फॉर्मेट चलते रहता है। क्लियर है गाइज? ये एक जनरल फॉर्मेट है, आप इसको याद रख लीजिए क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आप बनाएंगे इस पर। क्लियर गाइज? मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि मेरा जेस्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, रिज्यूम करके मैं आपको बता रहा हूँ कि जेस्ट में है कि डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कॉस एक्स निकालना है डीएक्स में, और इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके गाइस, क्लियर है? और यहाँ जो है और चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पाई माइनस वन बाई टू पाई माइनस वन बाई पाई डी और जीरो। ओके, और हमको क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का क्या तरीका है कि सबसे पहले मैं इसको थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूँ। कॉस एक्स को पहले लिया है, डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डी एक्स ले लिया। ओके, अब दोनों साइड, क्योंकि मैं इसको अब कंपेयर, जो आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था उससे थोड़ा कंपेयर करते हैं, थोड़ा मैं वीडियो ऊपर या स्लाइड्स को सॉरी ऊपर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ कंपेयर करने पर क्या पाते हैं कि यहाँ जी एक्स के बदले में आपको एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर है और एफ एक्स के बदले में क्या दिया हुआ है? कॉस एक्स दिया हुआ। ओके, क्लियर है? तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको स्टेप बताया था कि आपको निकालना क्या है कि इसका जी एक्स का फैक्टराइजेशन करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जिसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू पाई और माइनस पाई, दो रूट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद मैंने जी डैश एक्स भी निकाल लिया है जो कि मेरा टू एक्स होने वाला है। तो आपके पास दो रूट्स आए हुए हैं और मैंने आपको बताया कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सपेंडेबल फॉर्म बताया हुआ है।
तो जब मैंने इसको डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर को एक्सपेंड किया, तो डेल्टा एक्स माइनस पाई जी डैश एक्स जो है मेरा 2x है, तो एक्स माइनस एक बार पाई पे पुट किया और एक्स एक बार माइनस पाई पुट किया, तो एक बार हो गया डेल्टा एक्स माइनस पाई जो कि हो गया 2 पाई या नीचे पर, और डेल्टा एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला डेल्टा एक्स प्लस पाई, और नीचे भी हो गया 2 पाई। ओवरऑल जो इसका एक्सपेंशन हो गया वो मेरा कुछ इस तरीके से हो गया 1/2 पाई डेल्टा ऑफ एक्स माइनस पाई डेल्टा ऑफ एक्स प्लस पाई। ये एक जनरल फॉर्म हो गया जो इसको फैक्टराइजेशन करने पे। अब जब आपको ये फैक्टराइजेशन पता है कि हमने डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर को फैक्टराइज कर लिया है, तो अब इसको आप जनरल जो था आप इक्वेशन था उसमें आप फिर से इसको सब्सिट्यूएट कर देते हैं। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या किया है कि सबसे सिंपल वे में क्या किया, कॉस एक्स ये दिया हुआ था उसमें मैंने अभी जो एक्सपेंड करने पाया था उसको सब्स्टिट्यूएट कर दिया। अब क्या किया है, मैंने 1/2 पाई को बाहर लिया, इसको एक बार इसके साथ सेपरेट इंटीग्रेट करके निकालना है और इसको एक बार इसके साथ सेपरेट इंटीग्रेट करके निकालना है। तो आपको पता होता है कि जैसे कि हम इसमें सिंपल करते हैं क्या है कि जब आपके पास अभी मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही कि एफ एक्स रहने वाला है और डेल्टा एक्स माइनस ए रहता है तो वो एफ ए हो जाता है, यानी एक्स ए की जो यहाँ ए के बदले में कितना दिखाई पाई दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पुट किया तो पाई हो गया। फिर मैंने यहाँ माइनस पाई पुट किया तो चूंकि ये भी -1 है और ये भी -1, तो -2/2 पाई इज इक्वल टू -1/पाई। तो राइट ऑप्शन जो हो गया वो आपका, देखिए स्लाइड को पलट के दिखाता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप गाइस कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको इससे क्वेश्चन बनाने में, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन होता है चाहे वो गेट में पूछा गया, चाहे वो जेस्ट में पूछे, चाहे वो किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।